सूरज भैया कहाँ चले गए थे तुम? हमें तो फिक्र होने लगी। बाद में बताऊंगा। आओ। चांद का टुकड़ा है लड़की तो बहू लाया है अपने लिए। हाँ। यहाँ रहता हूँ मैं। यहाँ? हाँ हाँ। ये किस औरत के कपड़े हैं? वो जो मेरे साथ रहती है यहाँ। साथ रहती है? माफ करना, मैं तुम्हें बताना भूल ही गया, मगर वो गई कहाँ? गीता? ओ गीता, गीता, ओ गीता, आई गीता। अच्छा तो ये है वो? हाँ, मगर तुम्हें कोई इतराज तो नहीं? तुमने अभी तक ये सारी बातें छुपाई क्यों मुझसे? हाय बिन्ना, बड़ी गर्म मालूम होती हो। साथ ही रहना है हम दोनों को, कैसे कटेगी भला? तुम्हारे लिए चैन से कटेगी, मैं इस आदमी की शक्ल जिंदगी भर नहीं देखूंगी। अरे सुनो तो। जल्दी कहाँ गोरी, इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे हम अपनी भाभी को। भाभी? उसका मतलब है होने वाली भाभी, मेरी छोटी बहन है ये। मक्कार कहीं के, ऐसा पहले क्यों नहीं कहा तुमने? बोलो। नहीं कहा, नहीं कहा, नहीं कहा। सूरज! भामा, तुम जानते हो आज तक कोई भी अजनबी नहीं पहुंच सका हमारे अड्डे तक, ये किसे लाए हो तुम साथ? बाबा, बाबा ये मेरी होने वाली भाभी है। तुम्हारी भाभी? हमारी इजाजत बगैर ये कैसे हो सकता है? आप ही की इजाजत के लिए मैं इसे यहाँ लाया हूँ बाबा, विक्रमपुर से वो राजकुमारी आई है ना। राजकुमारी? राजकुमारी नहीं, उनकी दासी हूँ। दासी? जीते रहो, जीते रहो। बापरे, यही बाप है तुम्हारी? बहुत ही सख्त है, न जाने तुझे बहू बनाने के लिए इतनी जल्दी कैसे मान गए। प्रार्थनां समर्पयामि। वैकुंठवासी, ये चावल फेंकने के लिए है, खाने के लिए नहीं। वैकुंठ रीत है ये, सिर्फ नजर फेंकने के लिए होती है, खाने के लिए चावल। वैकुंठवासी, मैं ये क्या देख रहा हूँ? पति पत्नी, फेरे पूरे हो चुके। हाँ बापू, अब मैं इनकी धर्म पत्नी बन चुकी हूँ, हमें आशीर्वाद दीजिए। कोतवाल जी, एक लात मारिए इस ढोंगी के। चुप, महापुरुष शास्त्रों को मत भूलो। अर्जुन ने सन्यासी का स्वांग रचाकर सुभद्रा को हरनायमान किया था, उसी तरह मैंने भी कुछ। ओह माफ करना, आप महाभारत को नहीं मानते क्या? चुप कोतवाल जी, इसने आपको बेवकूफ बनाया है। चुप, किसकी मजाल है जो कोतवाल को बेवकूफ बनाए? कोई नहीं, कोई नहीं। कोतवाल जी, चुप, चुप। जाओ भैंस को तबेले में रख दे। वैकुंठवासी, पैर धरती पर ही रहे, मैं कोतवाल हूँ। कोतवाल कहीं उड़ने की कोशिश? क्या कह रहे हैं आप, उड़ तो सकता ही नहीं, ये देखिए ना पर बंद गए हैं, कितनी कर्री गाठ। जल्दी क्या है, जरा ठहरो ना। चलो चलो, अरे भैंस वाले एक गिलास दूध भेज देना। महाराज विक्रम सिंह की। जय।
राजकुमारी जी, राजकुमारी जी। क्या है? महाराज विक्रम सिंह पधारे हैं। महाराज अचानक? जी हाँ राजकुमारी, वो और हमारे राजकुमार दोनों आए हैं। सुनो, महाराज से जाकर कह दो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो सिर्फ अकेले ही आए, किसी और को साथ ना लाए। जाओ ना। जो हुक्म। अनुराधा, अनुराधा, बेटी। कलावती, तुम? प्रताप तो कह रहा था कोई लुटेरा उठा ले गया तुम्हें। आहिस्ता महाराज, आहिस्ता, आपकी इज्जत का सवाल है। क्या भक्ति हो? अनुराधा कहाँ है? गुस्सा रुक कर सुनिए महाराज, सब कुछ बताती हूँ। यहाँ आने से पहले राजकुमारी ने मुझे मजबूर किया कि मैं राजकुमारी बन जाऊं और वो दासी। क्या कहा? यहाँ दासी बन के आई है वो? जी हाँ, और लुटेरे के साथ वो ही। अपनी मर्जी से? हमारी नाक कटवा दी उस लड़की ने, अब हम क्या मुंह दिखाएं लोगों को? महाराज, अब तक असलियत किसी को नहीं मालूम है। लेकिन कब तक छुपी रहेगी? जब लोगों को असलियत का पता चलेगा तो कौन राजकुमार शादी करेगा उस लड़की से? मैं करूंगा महाराज। तो तुमने चुपके हमारी बातें सुन ली? आपके बुरे के लिए नहीं, भले के लिए। आपने मेरे पिताजी को राजा बनाया, ये मैं कैसे भूल सकता हूं? मैं आपकी बेटी से जरूर शादी करूंगा, मगर शायद वो इसके लिए तैयार ना। देखता हूं कैसे नहीं तैयार होगी, उसे ढूंढ निकालो जल्दी। काम जरा मुश्किल है। बहादुर, बहादुर। देखा जान मेरी, कितना वफादार साथी है, कोई भी से ले जाए मगर मुझे ढूंढता वापस लौट आए। जरूर, इसके साथ हम भी आए हैं तुम्हें ढूंढते हुए। और तुम्हारे साथ तुम्हारी शामत भी आई है यहाँ। अच्छा, जो आगे बढ़े, ये राजकुमारी अनुराधा का हुक्म है। हमारे लिए महाराज विक्रम सिंह का हुक्म ज्यादा कीमती है। वो प्रताप नगर पहुंच चुके हैं राजकुमारी। क्या? तो तुम राजकुमारी हो और आज तक मुझे धोखा देती रही? ये तो सिर्फ राजकुमारी को हाथ लगाने का इनाम था, और उनसे दिल लगाने का इनाम इससे कहीं बढ़कर मिलेगा। कमीने! नहीं, मैं कहती हूँ कि हट जाओ। राजकुमारी, ये महाराज विक्रम सिंह का मुजरिम है, अगर आप चाहे तो अपने पिता से सिफारिश करके इसे रिहा करवा लें। चलिए चलिए। नहीं, चलो चलो। राजकुमारी से इश्क करने चले थे साथ। इस वक्त खून उतर रहा है मेरी आंखों में, मेरे लाड़ प्यार का यह सिला दिया तूने एक बदमाश लुटेरे के साथ। जी चाहता तेरा गला घोल। मैं फिर कहती हूँ पिताजी, सूरज नहीं प्रताप है ऐसी बदमाश, वही जबरदस्ती मुझे उठा ले गया था। सूरज ने अपनी जान पे खेल के मुझे छुड़ाया। बंद करो ये बकवास, एक शरीफ लड़के पे बेजा तोहमत लगाती। अब तो प्रताप की दुल्हन बन के इस कमरे के बाहर कदम निकालेगी। बाबा राजकुमार पकड़ ले गए हैं भैया को,
इनकी जान खतरे में है बाबा, किसी भी तरह छुड़ा लाइए मेरे भैया को। क्या अब आपको औलाद का मुंह नहीं रहा? भैया को छुड़ाने के लिए आप कुछ करते क्यों नहीं? रात हो चुकी, दिन निकलने दे, फिर देख मैं क्या करता हूँ। भैया के सर के लिए इनाम रखा गया था बाबा, कल दिन निकलते ही कहीं अनर्थ ना हो जाए। गीता, जो मैं चाहता हूँ वही होगा, भविष्य की बागडोर अब मेरे हाथ में है, जा सो जा इत्मीनान से। मगर बाबा। गीता, दिल में जो इंतकाम की आग दहक रही है अब जल्द ही बुझेगी। भविष्य की बागडोर अब मेरे हाथ में है, मैं चाहूं तो तुझे रोक सकता हूं संग्राम, लेकिन नहीं, चढ़ा दे अपने बेटे को सूली पर फिर मैं तुझे बताऊंगा कि तूने किसकी जान दी है। यही है मेरा इंतकाम, यही है मेरा इंतकाम जिसे भगवान भी नहीं रोक सकता।